नहीं जीसस, मुझे आपके साथ रहना है। मुझे आपने हील किया है, मुझे आपके साथ रहकर आपके चेलों की तरह काम करना है। प्रभु कहता नहीं, अभी नहीं, कहां जा, घर चला जा और जाके अपनी फैमिली से बात कर। आप सोच भी नहीं सकते जीसस के हार्ट में कितना इंटरेस्ट है आपकी फैमिली के लिए, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। योना 1:41, उसने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। पतरस के भाई ने जाकर उससे बोला, अभी भी खुदावन ने कहा था ना कि तुम कुछ को बचाओगे वो तुमसे भी अधिक धर्मी रूहें बचाए। पतरस ने अपने भाई से अधिक काम किया है, पर उसको बचाया किसने है? उसके भाई ने। उसका भाई जाके अपने घर जाके बोलता है कि हमें ख्रिस्त मिल गया है, आ जाओ। परमेश्वर इंटरेस्टेड है आपकी फैमिली में। दोस्त बदल सकते हो, परिवार नहीं बदल सकता। बेस्ट फ्रेंड चेंज हो सकता है, बाप चेंज नहीं हो सकता। बेस्ट फ्रेंड एक गाली निकाल दे, ऐसी बात कर दे जो दिल को चुभ जाए, चेंज हो जाता है। बाप वैसी 100 बातें भी करे तो चेंज नहीं हो सकता। तो यीशु मसीह को मालूम है तुम सब कुछ बदल सकते हो, लेकिन अपना परिवार नहीं बदल सकते। और तुम्हारा आनंद अधूरा है जब तक तुम्हारा परिवार मसीह में नहीं होता। आज हैरानी की बात यह है कि जब कोई शरीर में मर जाता है तो लोग रोते हैं, पर उनकी अपनी फैमिली में अगर कोई आत्मा में मरा हुआ है वो रोते नहीं। तो नहीं नहीं, अपनी मर्जी आ काके दिया, सी नहीं पार पाई दा। काश तुम्हें पता हो कि आत्मिक मौत शारीरिक मौत से ज्यादा दर्दनाक और रोने का कारण है। आप में से कितने लोग हैं कि अपने आत्मिक मरे हुए मां भाई बहन के लिए रोकर प्रार्थना की हो, प्रभु इन्हें ले गया? क्योंकि हमें आत्मिक चीजों की वैल्यू नहीं मालूम, इसीलिए शरीर में हम संघर्ष कर रहे हैं। आज कौन शरीर में संघर्ष कर रहा है? फाइनेंस में कौन संघर्ष कर रहा है? कौन शरीर में, कौन बीमारियों के साथ, कौन फैमिली ट्रबल्स के साथ संघर्ष कर रहा है? वो जिनको स्पिरिचुअल चीजों की वैल्यू नहीं मालूम। तो अगर मैं बचा तो परमेश्वर चाहता है मेरा घराना बचे। और मैं आपसे पूछता हूं, आपके चाचा चाची ताया ताई मम्मी पापा भाई बहन अगर नहीं बचे तो मैं पूछता हूं कितने दिन आपने उनके लिए रोकर प्रेयर की है कि वो बचाए जाएं? पता क्यों नहीं कर पाए आप लोग प्रेयर रोकर? क्योंकि आपकी निगाहों में अभी स्पिरिचुअल जो लाइफ है उसकी वैल्यू इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अभी किसी का चाचा मर जाए कैसे रोते? पर वही चाचा आत्मा में पहले मरा हुआ है उसके लिए तुम नहीं रोते। वो मसीह से दूर है उसके लिए तुम नहीं रोते, लेकिन वैसे अगर कुछ उसको कुछ हो जाए तुम रोते हो, क्योंकि तुम अभी तक शारीरिक हो। शरीर में रोना बुरी बात नहीं, कोई छोड़ के चला जाए उसके लिए रोना बुरी बात नहीं, लेकिन आत्मा में उसका दुख ना मनाना ये बुरी बात है। जब सदूकी और फरीसी दशवांश लेके आए भवन में तो यीशु मसीह ने कहा, अच्छा है दशवांश लेके आते हो, बुरा नहीं है, पर न्याय और दया और विश्वास को मत छोड़ो मत। मत्ती 28 उसकी 18-20 और आज का वचन है लूका 19 उसकी 1-10। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। यीशु मसीह यरीहो में जा रहे थे। वहां जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और बहुत अमीर था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाले थे। जब यीशु उस जगह पहुंचे तो ऊपर दृष्टि करके कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि मुझे तेरे घर में जाना जरूरी है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है।
जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो चुगना फेर देता हूँ, चार गुना वापिस करता हूँ। थर्सडे मैंने बताया था कि अगर आपकी फैमिली मेंबर को आपको बचाना है, आपको राइट लिविंग करनी होगी, सही तरह से उनके सामने जीना होगा। तुम चोरी करोगे, तुम व्यभिचार करोगे, तुम्हारी फैमिली की सालवेशन रुक जाएगी। मैंने ऐसे यंग लड़कों को चर्च में आते देखा है कि फैमिली ने अलाउ कर दिया, अच्छा बेटा चलो चर्च जाना है, बेटी चर्च जाना है, कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है, एक लड़का एक लड़की जो है वो धर्म के मार्ग पे चलना चाहता है, आजकल की तरह नहीं करना चाहता। लेकिन चर्च आने के बाद अगर तुमने भी बॉयफ्रेंड बनाने हैं और गर्लफ्रेंड बनानी है, तो ये सोचो कि जो सालवेशन का प्लान परमेश्वर के हार्ट में था वो खत्म हो जाए, क्योंकि बाइबल कहती है तू बच, तेरा घराना चल जाएगा। अब वो बाप जो तुमको चर्च में भेजता है, जब वो देखता है कि तुम चर्च जाकर उल्टा काम करने लगे, तो तुम उसके बैकस्लाइड होने का और अपने बाप का मसीह में कभी ना आरण का कारण बन जाओगी और परमेश्वर से हमेशा के लिए श्राप कमा लोगी। मसीह एक चैलेंजिंग लाइफ है, तुम्हारे पास एक चैलेंज है। अब तुम्हें यह बताना है कि मैं मसीह में हूं और इसकी वजह से मैं बरकत पाऊंगा, आशीषित होऊंगा, आगे बढ़ूंगा। आप समझ रहे मेरी बात के नहीं? तो वो तब होगा जब तुम लोग परमेश्वर में सही चलोगे, परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में बरकत देगा, तुम्हारी फैमिली फर्क नोट करेगी कि अब ये बंदा आगे से सुथरा हुआ है, इसकी जिंदगी में बरकत है, इसकी लाइफ में कुछ अलग हो रहा है, क्यों ना हम भी इसी परमेश्वर को माने जिस परमेश्वर को ये मान रहा है। इसलिए जब तुम मसीह में आती हो तो टेस्टमनी को लेना एक चैलेंज है, एक जरूरत है कि खुदावन काम कर मेरी लाइफ में, ताकि मैं अपने परिवार को गवाहियां दे सकूं। क्योंकि आपने इसे चैलेंज के रूप में नहीं लिया, आपने चुनौती के रूप में नहीं लिया। मेरे लिए चुनौती था कि मुझे अपनी लाइफ में अपने हर पहलू में कामयाब होना है, क्योंकि मेरी फैमिली का मसीह में आना यह बहुत मुश्किल था, मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जिंदा नाम में सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा विश्वास करती हूँ कि आज का जो मैसेज है वो आपके जीवन को बदल चुका है। खुदाबंद के दास ने अपोस्टल अंकुर नुरला जी ने हमें परमेश्वर के कलाम में से बहुत सारी भेद भरी बातों को हम पर जाहिर किया है। खुदाबंद के प्यारे लोगों, हर एक इंसान, हर एक मसीह जो प्रभु में है, उसकी आशा होगी कि उसका परिवार उसके साथ हो, उसका परिवार उसके लिए ढाल बन के खड़ा हो, उसका परिवार भी बचाया जाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सत्य हैं, वचन में लिखा है जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। और जब हमने सत्य को जाना, हमने अपनी कमियों को जाना और सत्य को जाना और सत्य के पीछे चले और अपनी कमियों को हमने निकाल दिया, तो प्रभु ने हमें ग्रहण किया। हमने बेटी के रूप में, बेटे के रूप में उसने हमें ग्रहण कर लिया। और अब हम नहीं चाहेंगे कि हमारा परिवार भी वांझा रहे प्रभु से। हम चाहेंगे जैसे हम बचाए गए, हमारा परिवार भी बचाया जाए, हमारी फैमिली भी मसीह में आ जाए, ताकि वो सेफ रहे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे लिए सेफ रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है धरती पर। तो हम सेफ रहेंगे, हम दुनिया को बचा पाएंगे, और सेफ रहेंगे तो हम स्वर्ग में पहुंच पाएंगे पिता के सिंहासन के पास। तो अगर हम प्रभु से दूर हैं तो हम प्रभु को कभी भी देख नहीं पाएंगे, हम कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो हम चाहेंगे कि हमारी फैमिलियां भी बचें, क्योंकि वचन यही कहता ना, तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। अगर हम बच चुके हैं तो अब हमारा पहला मकसद होगा कि हमारी फैमिली भी बचे। पर फैमिली बचे कैसे, ये ज़्यादा सोचने वाली बात है कि फैमिली बचेगी कैसे। फैमिली के बारे में हम सोचते हैं हमारे परिवार बच जाए, हमारे माता पिता भाई बंधु सब बचें, पर वो बचेंगे कैसे? खुदावंद के प्यारे लोगों, वो हमारे द्वारा ही बचेंगे। हम कैसे हैं, बहुत बड़ी छवि उनके सामने नज़र आ जाती है। अगर मसीह में होकर अभी भी हमारा स्वभाव नहीं बदला है, हमारा चाल चलन नहीं बदला है, हमारा उठना बैठना खाना पीना नहीं बदला है, तो हमारी फैमिली कभी भी नहीं बदलेगी, कभी भी नहीं। हमारी ओर देखकर ही हमारी फैमिली ने बदलना है।
अगर हम बदल गए हैं ना, हमारा चाल चलन, बोल चाल, उठना बैठना, लहजा, सब कुछ बदल गया ना, तो फैमिली ने हमारी ओर देख के ही बदलना है। उसने हमारी ओर देख के ही उनके मन में परिवर्तन आना कि ये हमारा बेटी, हमारा बेटा ऐसा नहीं रहा, ये चेंज कैसे आया, ये कैसे हो गया, क्योंकि ये बदलने वाला नहीं था, पर हो कैसे गया। और जब उनको मालूम होगा कि हाँ ये चर्च में जाता है इसलिए इसके जीवन में बदलाव आ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार वाले भी अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हैं, वो भी उस ज़िंदगी को छोड़ना चाहते जो वह जी रहे हैं, उन्हें भी कुछ नया देखना है, तो वो हमारी ओर देख कर ही देख पाएंगे। इसलिए मसीह में अड़े और खड़े रहो, निखर जाओ, पवित्र बन जाओ, साफ कर लो, ताकि हम अपने घराने को बदला सकें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू।